नमस्कार दोस्तों, माता सती और पार्वती जी के पति भगवान शंकर को सदाशिव के कारण शिव भी कहा जाता है और भगवान शंकर को ही महादेव भी कहा जाता है। भगवान शंकर के बारे में कुछ इस प्रकार की बातें फैलाई जाती हैं जो काफी अपमानजनक है। वह लोग इसके दोषी हैं जो जाने अनजाने में भगवान शिव का अपमान करते हैं। इसमें से सबसे पहला झूठ यह है कि शिवलिंग एक लिंग का प्रतीक है, लेकिन असलियत में शिवलिंग है क्या? दोस्तों, यह बहुत ही गलत बात है कि लोग व्हाट्सएप या फेसबुक पर शिवलिंग की अपमानजनक तस्वीरें शेयर करते हैं और शिवलिंग के बारे में अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां भी शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का सच क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, शिवलिंग का मतलब है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा जाता है। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी प्रकार भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है। इस पिंडी की आकृति हमारी आत्मा की ज्योति की तरह होती है। साथ ही आज के जमाने के साइंटिस्ट यह मानते हैं कि शिवलिंग एक न्यूक्लियर आर्ट रिएक्टर है। इसके अलावा कहा जाता है कि शिवलिंग के अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड भी बसता है। तो अगली बार अगर कोई शिवलिंग के बारे में गलत कहे तो उसे सही करते हुए यह कहिएगा कि शिवलिंग भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी नष्ट नहीं हो सकता और कभी उत्पन्न भी नहीं हो सकता। भगवान शंकर के बारे में अगला झूठ सबसे ज्यादा आजकल के युवा फैलाते हैं कि भगवान शंकर भांग और गांजा पीते हैं। लेकिन दोस्तों, शिव पुराण आदि किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा हुआ कि भगवान शंकर भांग या गांजे का सेवन करते हैं। लेकिन इसी झूठ के कारण बहुत से लोग भगवान शिव की चिलम पीते की तस्वीर बना लेते हैं और इसे शेयर भी करते हैं, लेकिन यह एकदम झूठ है। अब सवाल उठता है कि यह झूठ आया कहाँ से? इसके पीछे भी एक कथा है। आपने समुद्र मंथन के बारे में तो सुना ही होगा। समुद्र मंथन से अमृत और विष दोनों ही पैदा हुए थे। अमृत बाद में निकला था, उससे पहले विष निकला था। लेकिन अगर यह विष दुनिया में फैल जाता तो कोई नहीं बच पाता। सारा का सारा दायित्व सौंपा गया भगवान शिव को और भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में समा लिया, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। और जब उन्हें तेज पीड़ा होती है तब वह गले में चंदन लगाते थे और भांग का सेवन करते थे ताकि उनके गले में शीतलता बनी रहे। ऐसा कहीं भी नहीं उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर चिल्लम, गांजा या भांग पीते थे। अब दूसरा सवाल, क्या भगवान शंकर ही महेश, महाकाल, रुद्र, भैरव इत्यादि हैं? चलिए दोस्तों, इसके बारे में भी पता लगाते हैं। पहली बात तो यह है कि हिंदू धर्म का संबंध वेदों से है, पुराणों से नहीं। त्रिदेवों में महेश को ही शिव या शंकर कहा जाता है। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। सभी की कहानियों का वेदों में विस्तार से विवरण देखने को मिलता है और सभी को शिव से जोड़ देने की भ्रांतियां विस्तार से बताई गई है। शिव शंकर महादेव एक ही है, लेकिन दोनों की प्रकृतियां अलग अलग है। शंकर को हमेशा ही तपस्वी रूप में देखा जाता है और कई जगह शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी बताया गया है। शिव ने ही इस सृष्टि की रचना और पालन के लिए तीन सूक्ष्म देवता की रचना की थी, जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। इस प्रकार से शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उन्हीं के ही रचना। इसके पीछे भी एक कहानी है। हुआ यूं कि एक बार शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी एक साथ थे। शिव जी के मन में सवाल आया कि अगर मैं विनाशक हूँ तो मैं क्या ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विनाश कर सकता हूँ? यह सुन ब्रह्मा जी और विष्णु जी मुस्कुराए। ब्रह्मा जी बोले, आप अपनी शक्तियों का मुझ पर इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं यह देखना चाहूंगा कि आपकी शक्तियों का मुझ पर क्या असर होगा। जब शिव जी ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल ब्रह्मा जी पर किया तो वह जलकर भस्म हो गए और वहाँ पर एक राख का ढेर हो गया। और तब शिव जी चिंतित हो गए कि अब सृष्टि का क्या होगा। तो उसी समय राख के ढेर में से आवाज आई, महादेव मैं ठीक हूँ, आपकी शक्तियों से यहाँ पर राख का निर्माण हुआ और जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। उसके बाद भगवान विष्णु ने शिव जी को अपनी शक्तियों का प्रयोग उन पर करने के लिए कहा। शिव जी ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग विष्णु जी पर किया और वहाँ पर भी एक राख का ढेर इकट्ठा हो गया। तभी राख के ढेर में से आवाज आई कि मैं यहीं पर उपस्थित हूँ, कृपया अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करें। और शिव जी ने भी कुछ ऐसा ही किया और धीरे धीरे वह राख का ढेर भी वहां से गायब हो गया। वहां बचे सिर्फ एक कण में से भगवान विष्णु पुनः प्रकट हुए। इसके बाद भगवान शिव के मन में एक आशंका हुई कि क्या वह खुद का विनाश कर पाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वह खुद विनाशक हैं। यदि कहीं विनाश ही नहीं होगा तो निर्माण कहाँ होगा, और अगर निर्माण ही नहीं होगा तो रक्षा की क्या जरूरत होगी। यह सुन विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराए और वह समझ चुके थे कि शिव जी क्या करना चाहते हैं। इसके बाद शिव जी ने खुद को भस्म कर लिया और उसके बाद ब्रह्मा जी भी भस्म हो गए और साथ ही विष्णु जी भी। चारों ओर अंधकार छा गया। भस्म होने के बाद राख के ढेर का निर्माण हुआ और उसी में से ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए, उनके बाद विष्णु जी और उनके बाद शिव जी पुनः प्रकट हुए। क्योंकि जहां पर रचना होती है वहां सबसे पहले सुरक्षा आती है और फिर विनाश।
इस घटना से यह पता चलता है कि त्रिदेवों का विनाश नामुमकिन है और इसके बाद शिव जी ने उसी राख को अपने शरीर पर लगा लिया, जिस कारण उन्हें शिव भस्म कहा जाने लगा। इस कथा से हमने यह जाना कि त्रिदेवों की तुलना करना व्यर्थ है, क्योंकि जहां रचना होगी वहां ब्रह्मा जी होंगे और जहां रचना होगी तो उसकी रक्षा जरूरी होगी, जिस कारण विष्णु जी वहां उपस्थित होंगे और रचना का विनाश भविष्य में मुमकिन है, इसलिए वहां शिव जी भी उपस्थित होंगे। दोस्तों, एक और सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान शिव को क्या नहीं पता था कि गणेश पार्वती जी के पुत्र हैं, मतलब उन्हीं के ही पुत्र हैं, तो फिर उन्होंने गणेश जी की गर्दन क्यों काट दी? अगर उन्हें पता चल भी गया तो उन्होंने उन पर हाथी की गर्दन क्यों जोड़ दी? अगर शिव जी नहीं जान सके कि उनका पुत्र कौन है तो फिर वह भगवान कैसे हुए? दोस्तों, इसका उत्तर भी हम आपको देते हैं। भगवान शिव के संपूर्ण चरित्र को पढ़ना भी बहुत ही जरूरी है। उनके जीवन को लीला इसीलिए ही कहा जाता है। लीला उसे कहते हैं जिसमें उन्हें सब कुछ मालूम होता है पर फिर भी वह अनजान बनकर जीवन के इस खेल को सामान्य इंसान की तरह ही जीते हैं। लीला कोई नाटक या कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटनाक्रम है जिसकी रचना खुद प्रभु ही करते हैं। दरअसल वह अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं को खुद संचालित करते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं को अपनी तरह से घटाना भी एक लीला है। अगर उस समय भगवान शिव ऐसा ना करते तो गणेश जी आज प्रथम पूजनीय देवता ना होते। अगर उदाहरण के तौर पर अगर अन्य देवताओं के नाम लिया जाए, जैसे कि श्री कृष्ण, उन्हें पहले से ही मालूम था कि महाभारत में कौन जीतेगा, किसकी हार होगी और कितने लोग मारे जाएंगे, फिर भी उन्होंने महाभारत होने दी। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान देते हैं तब वह कहते हैं कि यह सभी मनुष्य तो पहले ही मर चुके हैं, अब तुम इन्हें मार कर मुक्ति दे दो। इस प्रकार हम भगवान की लीला को समझ सकते हैं। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।